मेरी भाभी को अगर कोई छूता है मैं उसका हाथ काट देता हूं। कोशिश कर ले। हाथ के साथ तेरी गर्दन भी गई। भोकेगा या काटेगा भी। हो जा मरने के लिए तैयार। इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। कौन थे वो? वो तुम्हें अपनी भाभी क्यों कह रहे थे? कौन है तुम्हारा पति बताओ मुझे। हम मुंबई के रहने वाले हैं। मेरे पिता का नाम जगदीश कुमार है। मेरे भाई का नाम आनंद कुमार है। मेरे पिता जगदीश कुमार के बिजनेस में बिल्लू नाम का एक आदमी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। पेशेंट जो 28 साल से कोमा में था वो अचानक से होश में आ गया। पापा को उस भीम सिंह से मैसेज मिला कि वो उनसे आकर मिले। मेरे हिसाब से बिल्लू को कंट्रोल में रहना चाहिए। बड़ी हिम्मत है तो यार भीतर हमार पैरों पर कुत्ता की तरह हर वक्त अपना नाक रगड़ता रहा तू। कुत्ता कितना भी खूंखार काहे ना हो जाए पर शेर ना बन सका। अब इस कुत्ते का मालिक आ गवा है। अब ना घुरा नीचे देखा वरना परलोक सिधारी। तू सोचे रहा कि हम कोमा में ही मर जाए तब है तू इतना ऊपर चढ़ गया। अब हम आ गए मरा नहीं। अब तो हर जिंदगी और मौत हम पर निर्भर रही। एक काम कर अपनी छोरी की हमार बिल्लू से शादी करा दे और फिर से हमार कुत्ता बन जा। अगर तो के जीने का मन है तो ये शादी नहीं है ये तो मौत है। तो हार बेटी से बोल मौत से बेहतर शादी होत है। मुझे घर बुलाकर पापा ने मुझसे शादी के बारे में बात की। मैं उससे कैसे शादी करूं डैडी? मैं मजबूर हूं बेटी। ये अब हमारे हाथ में नहीं है। बेटा तेरी किस लड़के के साथ शादी होगी इसका फैसला कोई और कर चुका है। वो बुढ़ा क्या फैसला करेगा? जानता नहीं है तो उसको? वो भीम सिंह है। इंसान के भेष में वो एक राक्षस है। वो रागनी को जिंदा खा जाएगा और तू कुछ नहीं कर सकेगा। हमें उसके डर के आगे अपने घुटने टेकने ही पड़े। ये सब तो साले साहब ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हा? तुझे मेरा सिर चाहिए था और तुझे बदले में क्या मिला? हा? मेरे पैर, वो भी धोने के लिए। बड़े अच्छे से साफ कर रहे हैं तो। क्यों भाइयों, सब इंतजाम ठीक है ना? अरे जगह जगह भाई। सुन लो आज मेरी शादी है।
सब एंजॉय करो भाई। तो आज दूल्हे के ड्रेस में चकाचक लग रहे हैं। मेंढक आ गया भाई। आज ये मेंढक नहीं उछलने वाला, क्योंकि इस मेंढक के पांव आज मैंने तोड़ दिए हैं। इधर आओ मेरे साले साहब। औरत का सहारा लेकर जो शेर बनता है, जानते हैं उसे लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हिजड़ा। मचाइए वहां। अरे अरे, उसने मेरे बेटे को मार दिया। वो सब तैयारी से आए हैं। एक एक को मार डालो। इससे पहले कि मैं अपने भाई की लाश देख पाती, मेरे डैडी ने मुझे वहां से भगा दिया। लेकिन वो दरिंदा अब भी सबको पता है कि वो मेरी पत्नी है बाबू। कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे साले, कोई नहीं बचेगा। ए, किसी को मारना जीत नहीं, जीत तो होता है किसी को तड़पाना। वो चलाकी से अपने साथ अपनी बिटिया को भगा कर कहीं ले गया। अब तू उसकी बिटिया को घसीट कर यहां ला और जी भर कर उसको तड़पा। तब से लेकर आज तक मैं हर पल अपनी अपनी मौत का इंतजार कर रही हूँ। आज से सारे टेंशन मेरे हवाले कर दो राजन। मेरे होते हुए तुम्हें मौत तो क्या डर की हवा भी नहीं छू पाएगी। वो शाम को कोई पार्टी वार्टी थी ना? क्या ये कैंपस है? एंजॉय करो, तुम भी जाकर एंजॉय करो। आपको डांस आता है क्या? आपको डांस आता है? Hey, खोलो गेट, चंपक इज लेट। अगर हमसे लोगे पंगे तो हम एक सेकंड में हो जाएंगे नंगे। अपनी बीवी के टुकड़े करेगा तू? इंश्योरेंस एजेंट से लेडी एजेंट बन गया? मुझसे पंगा मत लो, नहीं तो भाग जाऊंगा। तू यहाँ से भाग जाएगा? हम सब तुझे यहाँ से भागने देंगे तब ना। मारो इसे। मारोगी? हाँ मारो, हमें औरतों के अरे रुको 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 अरे अच्छे से मारो चंपक को। लेकिन पब्लिक पिटाई काहे कर रही है? बताती हूँ, भाभी बाहर आओ। अरे ये कौन है? यही तो हम पूछ रहे हैं। तुम एक LIC एजेंट थे ना, कौन से एजेंट बन गए हो, जल्दी बताओ। आप गलत समझ रहे हैं, पहले आप इन्हें अच्छे से मारिए, फिर ये आपको बताएंगे। ये तो चंपक जी की बेटी है। बेटी है, मेरी ही बेटी है ये। चेक कर लो, दोनों का खून लाल ही है। बच गया एजेंट से बाप बनके। अभी जाइए 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 जाइए। राम राम। साइंस ने क्या तरक्की की है, एक दिन में डायरेक्ट 18 साल की बेटी हुई है। हेलो, मैं बताता हूँ चंपक जी, ये लड़की सर की स्टूडेंट है, आप समझे? आप एजेंट गिरी छोड़ो और इनका ध्यान रखो, ये अब तुम्हारे घर रहेंगी। तो हम घर में कहाँ सोएंगे? अरे वो दो टॉयलेट किस लिए बनवाए थे? टॉयलेट में? वाह, इससे मेरी बीवी दुखी नहीं हो जाएगी क्या? अबे सर्दी में हुई माँ बाप की गलती की सजा, अबे कौन सी तेरी बीवी तेरे साथ खुश है? कुछ दिन उसे टॉयलेट में रख कर साफ कर, हो सकता है शायद वो भी तेरे साथ खुश हो जाए। सही है। सॉरी सर, सॉरी फॉर द ट्रबल। बजा कर हमारा भोपू बोलती है, फूकना नहीं आता। रागिनी, योर प्रॉब्लम सॉल्व्ड। चलो दादी से मिलते हैं। दादी माँ। नमस्ते दादी माँ। हॉस्टल में इसे प्रॉब्लम थी, इसीलिए ये हमारे पड़ोस वाले घर में रहने आ गई है। तुम बहुत किस्मत वाली हो, अभी अभी पूजा हुई है, आरती लो। तुम्हारे घर वाले मुंबई में हैं। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? रियल एस्टेट बिजनेस। मैं चाय लाती हूँ। जी मैं भी आती हूँ। ठीक संभाला ना मैंने? एक्सक्यूज मी ब्रदर, हमारे दिल में एक सवाल उछल रहा है। क्या डाउट? कि वो खाती वहाँ है, रहती यहाँ है, सोती वहाँ है,
घूमती यहाँ है। अरे इतना आवन जावन क्यों, यही ठहरा दो ना। ठीक है ना अंकल? ठीक कहा ना। लेडी एजेंट, ये मसाज सेंटर है जो मसाज करवाने चला आया? फुल मसाज, बॉडी मसाज, हेड मसाज, यहाँ आकर फ्री में मालिश हो जाती है। एक मुक्के में दर्द गायब। सही कह रहे, गलत कभी कहा नहीं, पूछ लो पत्नी से। तुम्हें पता है बिरसिमा ने अपने घर के बगल में रागिनी को ठहरवाया है, ये बताना तेरा क्या होगा? नो प्रॉब्लम, मेरे पास एक मास्टर प्लान है। कैसा प्लान? डायरेक्ट अटैक। उसका रेप कर दोगी? छी छी, नेक्स्ट वीक सिर्फ हम दोनों अकेले कॉलेज के काम से बैंगलोर जा रहे हैं। अच्छा, फिर हम अलग अलग नहीं बल्कि एक ही होटल में रुकेंगे। सॉरी सर, वी हैव ओनली वन रूम अवेलेबल। ओके, नो प्रॉब्लम, यही है मेरा प्लान। सच में? ठीक है, तो मैं दूसरे होटल में ठहरता हूँ। नहीं वीर, हमें रात भर डिस्कशन करना है, कम ऑन वीर। लेकिन तुम्हें अनकंफर्टेबल लगेगा। बकरी कसाई के सामने कथक करेगी तो कटेगी ना। कुछ कहा आपने मास्टर जी? ज्यादा खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। अरे मास्टर जी कोई धार्मिक किताब पढ़ रहे हैं? तुम आगे बताओ ना, बहुत मजा आ रहा है। ओहो, आज पता चला औरतें अकेले में क्या वार्तालाप करती हैं। हम रूम में तैयार होकर खाने पे जाएंगे, मैं वाइन ऑर्डर करूंगी। मदिरा भी। और ऐसे में अगर बारिश हो जाए तो बदन में आग लग जाए। अग्नि तो यहाँ बढ़ गई है, कहाँ है फायर ब्रिगेड? अगर तुम मेरे बिस्तर पे नहीं सोए तो मेरी इंसल्ट है। वीर, अगर मैं रात में किसी से चिपक कर ना सोऊं तो मुझे नींद नहीं आती, मैं चिपकूं? तू चिपकली है क्या? अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो चिपको। यस। चिपक गई, लग गया फेविकॉल का मजबूत जोड़। अब ये जोड़ हीमैन का बाप भी नहीं उखाड़ सकता। दादी माँ, ये सब क्या है? आज कोई त्योहार है क्या? नहीं, आज कोई त्योहार नहीं बेटा, परंपरा के अनुसार आज के दिन हम हमारे कुलदेव श्री वीर नरसिम्हा देव की पूजा करते हैं। मम्मी, सॉरी दादी, मेरी मम्मी का फोन आ रहा है, मैं एक मिनट में आई हूँ। मम्मी, कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? यहाँ कुछ नहीं बदला, वही डर वही खौफ। तू तो किसी परेशानी में नहीं ना? नहीं माँ, मैं एक बहुत ही भले इंसान के घर में एज अ पेइंग गेस्ट रह रही हूँ। जब तक वो यहाँ है मुझे कोई डर नहीं। कौन है वो? वीर सिम्हा, मेरे प्रोफेसर। मम्मी, मैं बाद में फोन करती हूँ, बाय। दादी, 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 क्या हुआ दादी माँ? दादी, दादी! किसने मारा तुझे? कोई नाम तो होगा उसका। वीर सिम्हा। भाई, भाभी दिखी थी। क्या? मैंने भाभी को देखा था। किधर देखा? विजयनगर में। शिट।